महाप्रभु की जय जयकार करते हुए ब्रजेर नंदन जय सची सुत होइलो शे बलराम होलो निताय। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी संशय है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं विष्णु नहीं है, स्वयं कृष्ण नहीं है, तो आपका ट्रेन छूट रहा है। आप प्लेटफॉर्म में उतरे हैं और आपका बैक टू गॉडहेड का ट्रेन छूट रहा है, तो बिल्कुल ये डाउट नहीं रखे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। जय नित्यानंद गदाधर जीवन जय जय अद्वैतादि भक्तेर शरण। जब तक आप भक्त का शरण नहीं लेंगे तब तक चैतन्य लीला समझ में नहीं आएगी। भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लाभ हया। भक्ति में लाभ तब तक नहीं होगा जब तक चैतन्य कथा नहीं सुनेंगे, क्योंकि क्या अवतार सार गौरा अवतार केनो न भजी लेता रे करी निरेवासा गेलो न पियासा अमृत पाईवाराशे। हम लोग सब इस संसार में अमृत के लिए रुके हुए हैं। ये करने से मैं खुश हो जाऊंगा, वो करने से मैं खुश हो जाऊंगा, ये पा लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी पूरे ब्रह्मांड में चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई खुश नहीं हो सकता। हमारी क्या हैसियत है। पुनः भक्त संग प्रभु पदे नमस्कार स्फुरक जीव गौरा चंद्र अवतारा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो आप लोग सुन पा रहे हैं ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। जय जय श्री करुणा सिंधु गौरा चंद्रा जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। कितने लोगों ने समुन्दर देखा है, हाथ ऊपर कर दीजिए। चाहे वो जगन्नाथपुरी का समुन्द्र हो या द्वारका का हो या कन्याकुमारी का हो या दीघा का हो। अविज्ञात तत्व दुई भाई अर भक्त तथापि कृपाया तत्व करे नासुयत्व। अद्भुत वर्ण, सोने का वर्ण। श्याम सुंदर और गौर सुंदर में यही अंतर है कि श्याम सुंदर का रंग उस काले बादल के समान है जब बरसात के दिन में पहली बार काली बादल होती है और सूर्यदेव पीछे से वो चमकते हुए बादल की तरह, और गौर सुंदर का रंग है मोल्टन गोल्ड यानी सोना को पिघलाते हुए। कितने लोगों ने देखा है पिघलता हुआ सोना जो आग में चमकता है। तो आप लोग कम से कम चैतन्य महाप्रभु का रंग जानना चाहते सोनार के पास जाके देख लीजिए। ब्रह्मादिर स्फूर्ति होए कृष्णेर कृपाए सर्व शास्त्र वेदे भागवत गाया। ब्रह्मा से लेके प्रत्येक जीव भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझने में असमर्थ है, और ये हर वेद उपन्यास और श्रीमद् भागवत में भी बोला गया है। पूर्व ब्रह्मा जन्मिले नाभि पद्म होइते तथापि शक्ति नाई किछु ही देखीते। जब विष्णु के यहां से वो कमल का फूल निकला जिसमें ब्रह्मा बैठे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हे न कृष्ण चंद्रेर दुर्जय अवतारा तारा कृपा बिनय के शक्ति जन बार। चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर जानना है तो उनके कृपा के बिना जानने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु इस संसार में क्यों आए? बाहरी कारण तो यह है कि दुष्ट बहुत बढ़ गए थे, उल्टा सीधा काम कर रहे थे, सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे भारत और ब्रह्मांड में। और अंदर का कारण तो प्रेम ही होता है। राधा रानी का कितना प्रेम है कृष्ण भगवान नहीं समझ पा रहे थे। कृष्ण भगवान हर चीज के लिए समर्थ हैं, लेकिन एक चीज के लिए वो भी समर्थ नहीं है। अगर आपको कोई भोजन देता है तो आप उसको भोजन दे सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ धन देता है आप धन को लौटा सकते हैं, लेकिन अगर कोई सर्वस्व अर्पण कर दे आपको, क्या आप उस एहसान को लौटा सकते हैं? इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे पे बस एक एहसान करो कि मेरे पे कुछ एहसान मत करो। अगर तुम हमको 10 दोगे हम 100 देंगे। इसीलिए बोलते हैं भगवान जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं। भगवान बहुत आसानी से मोक्ष तो दे देते हैं, लेकिन भक्ति बिल्कुल आसानी से नहीं देते हैं। और एक चीज तो वो बिल्कुल आसानी से नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं। क्या है वो आप बता सकते हैं?
उसी के बारे में आज बात करेंगे। बोलिए, भगवान अपने आप को कभी नहीं देते हैं किसी को, केवल गोपियों को, केवल राधा रानी को। क्यों? क्योंकि राधा रानी को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, राधा रानी को तो केवल भगवान चाहिए। और राधा रानी को भगवान अपने लिए नहीं चाहिए, राधा रानी को केवल भगवान चाहिए ताकि पूरी तरह वो अपने आप को सर्वस्व समर्पण कर दे भगवान को। कभी भी सोचिए क्या इस सेवा भाव से हम किसी की सेवा करते हैं? हम सेवा करते हैं मेवा के लिए, राधा रानी सेवा करती है सेवा के लिए। चैतन्य महाप्रभु भी इस एहसान को नहीं भूल पा रहे थे, अपनी पूरी शक्ति से वो समझ नहीं पा रहे थे कि राधा रानी का प्रेम क्या है। तो राधा रानी के प्रेममय रूप में वो गौर सुंदर बन के इस संसार में आए और ज्यादा साल तक नहीं रुके, इतने विरह भाव में चले गए अंतिम के दिनों में कि इस संसार को छोड़ के वो गए। हम लोग भी यहाँ आके अलग अलग चीजों में फंस जाता है, कोई धन के पीछे, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, कोई धन के पीछे, कोई सुंदरी के पीछे, कोई जन के पीछे, कोई लोक के पीछे, कोई मैनेजमेंट के पीछे, कोई पोस्ट के पीछे। भगवान भी झूला से झूलते झूलते हंस के गिर जाते कि हम यहाँ बैठे और ये किसके पीछे भाग रहा है। भागो, हम नीचे बैठ के पैसा गिन रहे हैं, भगवान ऊपर बैठ के क्षण गिन रहे हैं। हम नीचे बैठ के पैसे गिन रहे हैं कि मंदिर में डोनेशन दे कि नहीं दे, और भगवान ऊपर बैठ के क्षण गिन रहे हैं कि तेरा कितना समय बचा है, कुछ डोनेशन दे दे। गलती या गिनती किसका सही होगा, भगवान का कि आपका? होना है, जब करते समय नींद आती है, पैसे गिनते समय तो एकदम चौकन्ने रहते हैं। हरे कृष्णा, एकदम कोली जुगे धर्म हाय हरि नाम संकीर्तन एतदर्थे अवितर श्री सचिनंदना। सचिनंदन के आने का एक ही कारण था कि हरि नाम को वो बढ़ाए। एकाले भगवता सर्व तत्व सार कीर्तन निमित्त गौरचंद्र अवतार। गौरचंद्र का अवतार केवल कीर्तन का प्रचार करने के लिए हुआ। द्वापर युग में अलग रूप और कलियुग में अलग रूप। कोली जुगे सर्व धर्म हरि संकीर्तना सब प्रक्षलीना चैतन्य नारायणा। स्वयं नारायण चैतन्य महाप्रभु इसको किए। कली जुगे संकीर्ता धर्म पली बारे अवतीर्ण होइलो प्रभु सर्व परिकारे। प्रभु आज्ञाए आगे सर्व परिकार जन्म लाभी लेना सबे मनुष्य भी तारा। अगर आपका जन्म इस कलयुग में हुआ है तो सब कुछ छोड़ के क्या करना है? हरिनाम संकीर्तन जो आप लोगों ने इतना सुंदर तरीके से किया। के अनंत के शिवा के विरीशी के गाना जाता अवतार प्रसाद आपता गाना। अनंत से शिव ब्रह्मा सारे ऋषि और मुनि सारे लोग चैतन्य महाप्रभु आने के पहले इस धरा में भक्त बन के आ गए। क्या मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछ सकता हूं कि सब लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ में बगल बगल में क्यों नहीं जन्मे? कोई एक चक्रधाम में, कोई मुर्शिदाबाद में, कोई नदिया में, कोई कलकत्ता के बगल में, सब कोई को अलग अलग फैला के क्यों भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने जन्म दिया? कोई बोल सकता है? हम बता देते हैं। हाँ बोलिए। हाँ वो बाहरी कारण है, अंदरूनी कारण क्या था? वृंदावन दास ठाकुर हंस के बोलते हैं, गंगा के तट पे तो बहुत पुण्य है लेकिन बंगाल में इतना पाप बढ़ गया था, उड़ीसा में बंगाल में, कि चैतन्य महाप्रभु ने कैरम की गोटी की तरह एक मारा और सब फैल गए और अलग अलग जगह पे जन्म लिया पूरे भारत को सुधारने के लिए। और म्लेच्छ के यवन में घर में भी जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था म्लेच्छ के घर में, यवन के घर में? हरिदास ठाकुर नामाचार्य। और भगवान ने दिखा दिया कि देखो हम किसके घर में जन्मा के भी हम क्या कर सकते हैं। इसी कारण से गंगा मैया बहुत खुश हो गई, बाल लीला करते हैं गंगा के जल में, क्योंकि उनके चरण धूलि को जब गंगा मैया छूती है तो उनके सारे पाप को भगवान हर लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की भागवत रूपे जन्म हुई ले शबारा कृष्ण से जाने ना जारा अंश जन्म जारा। केवल भगवान ही समझते हैं कि वो क्यों जन्मे हैं।
करो जन्म नवद्वीपे करो चित्त ग्रामे के हर राधा ऊर्ध्वदेश श्री हट्ट पश्चिमे। अलग अलग जगह पे अलग अलग बौछार किया चैतन्य महाप्रभु ने अपने शुद्ध भक्तों का। नाना स्थाने अवतीर्ण होइलो भक्त गाना, नवद्वीपे आशी होइलो सवार मिलाना। सब कोई को जब चैतन्य महाप्रभु ने छिट दिया और स्वयं जब लास्ट में आए सबको अपने पास बुला लिया। सर्व वैष्णव जन्म नवद्वीप धामे कोन महाप्रिय दासेर जन्म अन्य स्थाने। कुछ भक्तों का नवद्वीप में जन्म हुआ और कुछ भक्तों का दूसरे स्थान में जन्म हुआ। श्री वास पंडित और श्री राम पंडित श्री चंद्रशेखर देवत्रय लोक्य पूजित। भगवत गीता जहां समाप्त होता है वहां भागवत शुरू होता है, जहां भागवत समाप्त होता है वहां चैतन्य चरितामृत शुरू होता है, जहां चैतन्य चरितामृत समाप्त होता है वहां वैष्णव गीत शुरू होता है, जहां वैष्णव गीत समाप्त होता है वो श्री राधा का चरण है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। श्री राधा रानी की भाव रोग वैद्य श्री मुरारी नाम जार श्री हट्ट ऐशव वैष्णवेर अवतार। हनुमान जी क्या बोल के जन्मे? मुरारी गुप्ता। पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम। चित्त ग्रामे होइला इहा सवर प्रकाश बुधने होइलो अवतीर्ण हरिदास। हरिदास ठाकुर कौन से गांव में जन्मे थे? ये सब गांव आज भी बंगाल में है, आप लोग जाके कृपया दर्शन करें। अगर आज भी निकल गए अंतिम सांस तक कवर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वृंदावन में जैसे 5000 मंदिर है, नवद्वीप ही वृंदावन है और वृंदावन ही नवद्वीप है। नवद्वीप धाम में 5000 से ज़्यादा मंदिर है, यानी एक एक दिन भी एक साल में 365 डेज होता है, सारा जीवन भी घूमते रहेंगे तो नवद्वीप धाम को कवर नहीं कर पाएंगे। हम और भूपति प्रभु जब नवद्वीप गए थे रिक्शा लेके, 3 ही दिन में सुबह से रात और रात से सुबह हो गया, पता नहीं चल रहा था, सर पकड़ लिए हम लोग, कहाँ जाए कहाँ देखे, हनुमान जी का घर देखे कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान देखे कि सार्वभौम भट्टाचार्य का घर देखे कि भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐसे भक्त थे। आप लोग समझिए कि परंपरा के आचार्य लोग कौन थे। आप लोग आज भी जाएंगे नवद्वीप तो भक्ति विनोद ठाकुर के घर में आप लोग एक रेलवे लाइन देखिएगा। कितने लोगों ने देखा उस रेलवे लाइन को? हरे कृष्णा। ब्रिटिश गवर्नमेंट, तब इंडियन गवर्नमेंट नहीं था, वो इतने पावरफुल व्यक्ति थे, केस को ऐसे बैरिस्टर सॉल्व करते थे कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने एक रेल लाइन दिया था उनके घर तक आने जाने के लिए। आज ज्यादा से ज्यादा क्या टैक्सी और गाड़ी और मर्सिडीज और फॉर्चुनर ही आता है ना, उससे ज्यादा कौन सा रोल्स रॉयस आता है? एक बार प्रभुपाद जी जब प्लेन से उतरे तो एक रोल्स रॉयस आया था, तो एक भक्त ने जाके पूछा प्रभुपाद आप कैसे सन्यासी है इतना बड़ा गाड़ी में चलते हैं? प्रभुपाद ने हंस के बोला हरे कृष्णा, हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हाँ अगर विष्णु यान भी आ जाए वो भी काम है, कनस्तर का डब्बा का है। के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ट्रेन दे दिया और रेल लाइन उनके घर के दरवाजे तक दे दिया। ट्रेन आती थी उनको लेने के लिए, ट्रेन आती थी उनको ले जाने के लिए। आज भी जाके देखिए आपको दिख जाएगा, बाहर से वो इतने बड़े व्यक्ति थे और अंदर से कौन थे? छोटा सा भजन कुटीर अपने घर के अंदर में। आप लोग जाके देखिएगा उनके बिस्तर के बगल में है, वहां बैठ के 24 घंटा हरि नाम करते रहते थे। और एक दिन दिव्य प्रकाश दिखाई दिया उनको और चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये मेरा जन्म स्थान है, आके इसको करो। पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम। राधा माझे एक चक्रे। अब किसका नाम आ रहा है? जब कृष्ण भगवान ने चक्र उठा लिया था भीष्म को मारने के लिए तो अर्जुन पैर पे गिर गए, मेरे दादाजी हैं छोड़ दीजिए ऐसा मत कीजिए। भगवान हंस के बोले हम एक बार उठा लेते तो छोड़ते नहीं है, चाहे भक्त हो चाहे चक्र हो। और एक मारा उन्होंने चक्र। आप सोचिए कुरुक्षेत्र कहाँ है, कौन से स्टेट में है? वहां से जो चक्र मारे वो चक्र गिरा एक चक्र में वेस्ट बंगाल और वहीं नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। राधा माझे एक चक्र नामा छे ग्राम जाहि अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। हराई पंडित नाम शुद्ध विप्र राजा मूले सर्व पीत ताने करे पीत व्याज। कृपा सिंधु भक्त दास श्री वैष्णव धाम राधे अवतीर्ण होइलो नित्यानंद राम। कृष्ण लीला में नित्यानंद राम कौन थे?
कृष्ण लीला में नित्यानंद प्रभु कौन थे? क्या प्राणेश गौरहरी नहीं? बलराम जी। और बलराम जी का गुस्सा बड़ा फेमस था। बलराम जी सीधे पंच मारते थे। एक बार यमुना पे गुस्सा है तो अपना हल लेके पूरा हस्तिनापुर को खींचने लगे। यमुना माता तुरंत हाथ जोड़ ली। लेकिन नित्यानंद प्रभु प्रेम के अवतार हैं। मटका मारा मधाई ने, चैतन्य महाप्रभु ने बोला चक्र चक्र, सुदर्शन उनके हाथ में आ गया, मारने वाले थे तो गिरे। नित्यानंद प्रभु बोले ई जन्म आपका चक्र के लिए नहीं है, हरि नाम के लिए है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। महाजाया जया ध्वनि पुष्पा बरिशाना, समगोप देवता गने तैल ताखा आना। सारे देवता नाचने लगे, दुंदुभी बजने लगा और फूलों की वर्षा होने लगी। नित्यानंद का जब जन्म हुआ, शेन दीना होते राधा मंगला सकाला, पुना पुना बढ़ित लागला सुमंगला। भूपति प्रभु हमको दोनों साइड से फंसा रहे, बोल रहे पूरा आज करना है और घड़ी दिखा रहे हैं। अब बताइए हम क्या करें? आप लोग सब जन्माया कहे सही चीता, जे दाशे गंगा हरी नाम विवरित, ये देशे पांडव नहीं गेला कदा चीता। संसारे तारित श्री चैतन्य अवतार, आपन श्री मुखे करी अचे अंगीकार। स्वच्छ देशे स्वच्छ कुले अपन समाना, जन्मिया वैष्णव करे सबार तराना। चैतन्य महाप्रभु आके सबको ताड़ लिए। जय देशे जय कुले वैष्णव अवतारे, ताहर प्रभाव लक्ष्य योजना निस्तारे। जहां जहां चैतन्य महाप्रभु के एक एक भक्त का जन्म हुआ, योजन योजन तक सबको मुक्ति मिल गई। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जब चैतन्य महाप्रभु चलते थे तो जहां उनका पैर पड़ता था वहां एक विशाल बड़ा गड्ढा बन जाता था, बहुत बड़ा किलोमीटर का गड्ढा बन जाता था। कोई बोल सकता है क्यों? जहां पे चैतन्य महाप्रभु का श्री चरण पड़ता था सब लोग भागते थे उस चरण धूली को लेने के लिए। 10,000,00,000 लोग जाके चरण धूली को लेके अपना हाथ में लेते थे और पागलपन छा जाता था। चैतन्य चैतन्य करके वो भागते थे और जैसे आदमी को करंट लग जाने से कोई और उसको छूता है तो उसको करंट लगता और उससे उसको पूरा गांव को करंट लग जाता था और सब मिट्टी लेने के बाद एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। स्थाने वैष्णव गाने करी ना विजाया, से स्थाने हाया पुण्य तीर्थ माया। जहां पे भी ऐसे भक्त का जन्म हुआ वो एक तीर्थ बन गया। क्या बन गया? नाना स्थाने अवतीर्ण हैल भक्त गाना, नवद्वीप आशेष अवर हैल मिलना। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के सीधे जहां जन्म होता है वहां पे आ जाते हैं। राम दृष्टि पाते सर्व लोके सुखा भाषे, व्यर्थ कोई लो जया मात्र व्यवहार रासे। पूरे बंगाल में लोग टाइम पास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जैसे हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, पास टाइम या टाइम पास। तो ऐसे ही टाइम तुमको पास कर देगा एक दिन, कोई बचने वाला है क्या? लेकिन उसके पहले अगर एक बार हाथ उठा के चैतन्य महाप्रभु का नाम ले लिए तो भगवान स्वयं आएंगे। कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथमे कोलित होइलो भविष्य आचार। पूरे संसार में कलियुग के प्रभाव से धर्म शून्य हो गया था, धर्म और कर्म दोनों बिगड़ गए थे। दंभ करी विषहारी पूजा को ना जाना, पुतल कराए के हो दिए बहुधाना। श्री श्री पार्थसारथी भगवान की, गौरनिताई भगवान की। सारे लोग सांपों की पूजा कर रहे थे, सारे लोग भूतों की पूजा कर रहे थे, बेताल की पूजा कर रहे थे और आजकल तो काला जादू घर घर में हो रहा है। धाना नष्ट करे पुत्र कन्या विवाहे, ध्यान से सुनिए आप लोग। धाना नष्ट करे पुत्र कन्या विवाहे, ए मत जगर्थ व्यर्थ कैला याए। अगर आप अपने पुत्र और पुत्री के शादी में लाखों रुपया लगा दे रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं आप अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? व्यर्थ।
उसका एक भी अगर निकल के भगवान को देते तो मृत्यु के बाद क्या आपका बेटा बेटी आएंगे बचाने के लिए? कहां तक जाएंगे वो लोग? शमशान घाट तक। राम नाम सत्य है, यही सबका गत है। और उसके बाद फटाफट जलाने के बाद अपना हाथ धोएंगे। क्यों? व्यर्थ कलह व्यय, अपना समय का और धन का व्यर्थ बर्बादी कर रहे हैं। शास्त्र पढ़िया शब ए कर्म करे, स्रोत साहित्य जमा पाशे धूबी मारे। और इस तरीके से जब पाप बहुत बढ़ गया तब अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला में तुलसी और जल को लेके हुंकार किया और बोले कि चैतन्य महाप्रभु अब आपको आना पड़ेगा। तुलसी मंजरी सहित गंगा जले, निर्वध सेव कृष्ण महत कुतुहाले। हुंकार कोरिया कृष्ण अवसर तेजे, जे ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठ भाजे। जब आप लोग हाथ ऊपर करके हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो क्या पता है आपके हाथ से क्या निकलता है? चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, जब कोई भक्त हाथ ऊपर करके भगवान को बुलाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को भेद के कहां तक पहुंचते हैं? बिल्कुल भगवान के धाम वृंदावन धाम तक पहुंचते हैं। सकल संसार मत व्यवहार रासे, कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति करुणा ही बाशे। कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति संसार में खत्म हो गया था, वैष्णव बहुत दुखी हो गए थे और इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु को उन लोगों ने इस संसार में बुलाया। अद्वैत कारण चैतन्य अवतार से प्रभु कैयाची बार बार, से नवद्वीपे वैसे पंडित श्रीवास, जाहर मंदिरे होइलो चैतन्य विलास। निगुड़े अनिकार बैषण दिया, पूर्व सबे जन्मिला ईश्वर आज्ञाए। ईश्वर विष्णु के आज्ञा से पहले सब लोगों का जन्म हो गया और धीरे धीरे कौन कौन आए? श्री चंद्र शेखर जगदीश गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी श्री गरुड़ गंगा दास। गरुड़ जी भी पहले नीचे आ गए। एक एक बलित होय पुस्तक विस्तार, काहर प्रस्ताव नाम लय बजार जार। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे किताब तो खत्म कब होगा? अगर एक एक जन का हम नाम लेने लगे तो चैतन्य चरितामृत तो कभी खत्म होगा ही नहीं। सब स्व धर्म पार सबे या उदार, कृष्ण भक्ति बाय कह ना जाने या आरा।